जबरदस्त यार। ओए ये क्या बना रहे हैं आप? कॉकटेल? कौन से फ्लेवर डालने हैं सर? ये एप्पल है, लीची है और अपना पीच है। कबरार का भी फेवरेट है और ये मुझे अपना ही फेवरेट जो है चेक करवा रहे हैं कि। और ये रेडी हो गया, वाह ज़बरदस्त बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है नागंज और जिस स्टॉल पे हम आए हुए हैं वो है लिम्का का। और लिम्का के कितने फ्लेवर जो है इस स्टॉल पे मौजूद हैं वो हम आपको सब दिखाएंगे भी, और इधर के जो ऑनर है उनसे जो है इंटरव्यू भी करके सारी डिटेल जो है हम आपको देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके पास लिम्का में कौन कौन से फ्लेवर अवेलेबल हैं और हमें ये कौन सा पिलाते हैं फ्लेवर और कैसा होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और रिव्यू भी देंगे। तो चले आइए देखते हैं लिम्का के फ्लेवर। ये ज़बरदस्त स्टाइल है भाई। ओए होए ये दिखाए ना आप, ये देखें जी, वाह वाह। ये ब्लू है, ये ब्लू किसका, कौन सा फ्लेवर है? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी है भाई ये। ये जबरदस्त यार। ओए पैक करने क्या क्या मेरे को बता देना जरा, सब पैक है। कौन से फ्लेवर आप लिम्का? आज मैं आड़ू का फ्लेवर ले रहा हूँ। मैं तकरीबन यहाँ 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से? 3 साल से कंटिन्यू है ये नागन चौरंगी, वो बहुत मशहूर बहुत फेमस है ब्रांड। ब्रांड सही है, नागन चौरंगी है। नागन चौरंगी के मशहूर है बहुत लिम्का वाले। तो कौन सा फ्लेवर पीते हैं? मैं आड़ू का बहुत फेवरेट है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से आए आप? मैं नॉर्थ कराची से ही आया। कराची से यहाँ नागन पे आप? सेक्टर 11 से। 11 से जी। तो ये कितना टाइम के बाद आते हैं? मतलब तकरीबन मैं वीकेंड पे आता हूँ। वीकेंड पे आप? वीकेंड पे आते हैं जी जी। कैसा होता है? अच्छा होता है? हाँ बहुत बेहतरीन फ्लेवर है, बिल्कुल प्योर प्योर जैसा फ्लेवर मुझे मैं तकरीबन आल पाकिस्तान घूमा हूँ, ऐसा फ्लेवर मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा। इवन के मैं लाहौर इस्लामाबाद भी रहा हूँ नहीं करें, लेकिन ये फ्लेवर नहीं है मेरा। अच्छा। जबरदस्त यार, मतलब काफी फ्लेवर तो इनके पास काफी सारे हैं। थैंक यू। अच्छा सर, कौन कौन सा था आपका? जी सर, आड़ू आ गई आपका 50 रुपीज़ दिएगा। यार एक आड़ू और एक लेमन दे दीजिएगा। अच्छा भाई, लेमन और एक ऑरेंज। अल्लाह का शुक्र है। कुछ बताएं तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? ज़्यादातर लेमन ही पसंद है। कौन सा फ्लेवर? ज़्यादातर लेमन। लेमन जी। तो क्या मतलब खाने के बाद पीने आते हैं या? नहीं नहीं, कभी कभार जैसे 2-4 दिन के अंदर गर्मियाँ वगैरह। कहाँ से आए हैं? मैं पीछे रिहाई से, मुस्लिम टाउन में। मुस्लिम टाउन से आए हैं? जी जी जी। कैसा होता है इनका? बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी पुराने हैं क्या ये? हाँ हमारे यही तकरीबन होगा, तकरीबन 30 साल के करीब तो होगा जब से ही देख रहे हम लोग, यानी काफ़ी टाइम से। अच्छा जी।
तो आपको सिर्फ खाली एक ही बताना है कौन सा, लेमन? लेमन, हाँ। लेमन के अलावा नहीं मिला कभी कभार, अगर वो होता है तो आड़ू वगैरह, आड़ू वगैरह भी? जी जी। ये कौन सा बना रहे हो? सर लेमन जिंजर बना रहा हूँ। जिंजर जी, पीच बना रहा हूँ, ब्लूबेरी बना रहा हूँ, लेमन बना रहा हूँ। सही है। एक आड़ू भी है तो? अच्छा जी सर, एक आड़ू है आपका और क्या था? एक लेमन है। एक लेमन हो गया सर, एक आड़ू, एक लेमन। अच्छा जी, हो गया सर। नौ हो गए भाई, दो लेमन पीछे के भी है। एक एक ये ब्लूबेरी का ऐसा कौन सा वो टेस्ट फ्लेवर है? ये सर ब्लूबेरी है, ये फ्रूट होता है ये। अच्छा, फ्रूट जो होता है वही फ्रूट वाला है ना ये? जी जी। अच्छा, एक एप्पल भी होगा। ये देखें जी, क्या एक्सपर्ट कसम से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। लिम्का के कितने फ्लेवर इनके पास अवेलेबल हैं, ये इनसे इन खुद ही पूछेंगे कि कितने फ्लेवर इनके पास अवेलेबल हैं। इस्तेमाल करते, वाह यार इतने एक्सपर्ट हो, यानी कि यार अब कि गिलास से खोल लेते आप माशाल्लाह से, यार ज़बरदस्त। आड़ू लेमन भाई, कितनी तेज़ी है, तुम तेज़ी से बनाते हो यार ये लिमका। सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? आड़ू। आड़ू, आड़ू की कड़ी मांग है मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे पूछा, आड़ू ज़्यादा मांग रहे हैं। तो आड़ू के ज़्यादा आप देखें जितने भी खड़े तकरीबन यही है, सारे आड़ू वाले खड़े, आड़ू वाले ही है। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी चीज़ है। तो यानी कि हर वीकेंड पे आते हैं आप? हाँ तकरीबन यहीं पीके जाते हैं या? नहीं नहीं, घर पे। तो घर पे जाते जाते गैस वैस नहीं ख़त्म होती? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता इसमें, नहीं होता, कोई पर नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। रहते हैं, एक आड़ू है, एक लेमन है। पार्सल होगा? कितने गिलास लेने हैं? दो। दो गिलास कितने का होता है? 50 का। 50 रुपीज़ का? जी 50 रुपीज़ का एक गिलास होता है आड़ू का, कोई भी फ्लेवर कोई सा भी लेना है 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़? जी जी। वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र करम माशाल्लाह से। काम तो मैंने तुम्हारा देखा, बड़े एक्सपर्ट हो भाई है लिम्का में। मैंने ऐसे नहीं देखा, सब एक एक बना रहे हो सही आप जिस तरीके। चलो खैर, ये तो होती रहेंगी बातें। ये बताओ लिम्का में कौन कौन से फ्लेवर हैं? सर फ्लेवर है आड़ू, लीची, लेमन, आइसक्रीम सोडा, ऑरेंज, अदरक, पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल, कॉकटेल, ग्रीन टी, फ्रूट पंच, फ्यूजन, अनार, फालसा, कोला, रूह अफ़ज़ा। बताएं आप कौन सा पियेंगे? एक्सपर्ट हो, इतने याद भी हैं तुम्हें यार माशाल्लाह, सही बहुत ज़बरदस्त। नाम क्या है पहले बताओ लिम्का का? लिम्का का है ट्रिपल एम के नाम से शॉप है माशाल्लाह, तकरीबन नागन चौरंगी। कौन सी नियरेस्ट क्या है नागन? तो मुस्लिम टाउन। मुस्लिम टाउन कहलाता है ये? जी मुस्लिम टाउन। फूड स्ट्रीट वगैरह? जी फूड स्ट्रीट है नागन चौरंगी पे, केडीए फ्लैट के नीचे। केडीए फ्लैट के नीचे जो है मुस्लिम टाउन? जी सही है। तो टाइमिंग वगैरह क्या? सर शाम 4 बजे से रात 4 बजे तक होते हैं। शाम 4 बजे से रात 4 बजे, 12 घंटे की ड्यूटी है। कब से कर रहे हो? सर तकरीबन 13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए माशाल्लाह इस फील्ड में। अच्छा जी, ज़बरदस्त। सर वैसे पीस भी लाइक करते हैं कस्टमर जी, लोग ज़्यादा लाइक। जिंजर, लेमन, ब्लूबेरी। अच्छा, ये रनिंग वाला फ्लेवर है माशाल्लाह मेरा। तो ये 8 साल हो गए आपको? जी तकरीबन माशाल्लाह। मतलब ये क्या करते हुए कोई करता था आपके पीछे, यानी कि वालिद? जी वालिद साहब करते थे माशाल्लाह, नाना है मेरे। अच्छा, तो उन्होंने उन्होंने सिखाया आपको? जी जी बिल्कुल। आज आप खुद कर रहे हैं माशाल्लाह। तो एक ही है या कहीं और भी? सर माशाल्लाह 2-3 दुकानें हैं, गुलबर्ग में भी है माशाल्लाह, एक सामने भी ब्रांच है। अच्छा, ये सब आप? जी जी बिल्कुल सही है। तो वालिद साहब से? वालिद साहब से, नाना से, मामों से। एक्सपर्ट हो गए जी माशाल्लाह। ज़बरदस्त यार, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है तुमने ये जो है ना। जी बिल्कुल, नौकरियों के चक्कर से निकल गए तुम। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने सही कह रहे हैं आप। उनकी नौकरियाँ कर रहे हैं ना,
वो रो रहे हैं, रो रहे हैं, हकीकत है, सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है, इसको बढ़ाए वो और तरक्की दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। बस अब आपने ये बताओ कि हमें कौन सा पिलाओगे? सर आप पिए कॉकटेल? कॉकटेल मगर छोटा यार, मैं खाना खाया हुआ हूँ, घर पे कुछ हुआ नहीं ना, तो कोई मसला, बड़ा मसला हो जाएगा, खाली हो जाएगा पेट, कोई मसला नहीं। कॉकटेल पिलाता हूँ। कॉकटेल बनाओ और ऑनलाइन वगैरह है कि कहाँ? नहीं ऑनलाइन नहीं है सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने इतना टाइम दिया मसरूफ इंसान, जला कर कोई मसला, बहुत बहुत अबरार। एक ग्लास बनाओ मगर छोटा बनाओ, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है अबरार बना दो। ये क्या बना रहे हैं आप? कॉकटेल? ये देखें जी, कॉकटेल बना रहे हैं अबरार मेरे लिए। और देखें किस तरीके से, ये कौन कौन से फ्लेवर हैं ये मुझे नहीं पता, ये खुद ही बताएंगे भाई। कौन कौन से फ्लेवर डालने हैं? सर ये एप्पल है, लीची है और अपना पीच है। अच्छा, ये अबरार का भी फेवरेट है और ये मुझे अपना ही फेवरेट जो है चेक करवा रहे हैं कि देखें जी ये कैसे बनता है। ये देखें जी, ये लिमका कहलाता है ना? जी सर, इसको लिमका ही कहते हैं। जी जी, ये लिमका है जी, देखें लिमका डाला इन्होंने और ये रेडी हो गया। वाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपका नाम बताएं? अभी भाई। ये अभी भाई हैं, ये देखें जी, ये इन्होंने, ये देखें जी कॉकटेल का जो है लिमका अबरार ने हमें बना के दिया है। अभी हम इसको जो है चेक करते हैं कि ये कैसा फ्लेवर है। बहुत ही आला किस्म का जो है टेस्ट है कॉकटेल का और मज़ा आ गया भाई। आज से मेरा ये फेवरेट हो गया, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही आला किस्म का जो है मज़ा आया पीने में। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। ये नागन की जो है फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे जो है कौन कौन से फूड अवेलेबल हैं, रोल है, लिमका है, फ्रेंच फ्राइज है और गोलगप्पे हैं। और ये देखें जी, ये है चपली कबाब, ये चपली कबाब हैं, चपली कबाब बन रहे हैं। नागन चौरंगी पे जो है फूड स्ट्रीट है, उस पर देखें ये गुलाब जामुन अवेलेबल हैं, 360 रुपए किलो हैं ये। ये देखें जी 360 रुपए किलो है ये, ज़बरदस्त, क्या ताज़ी और गर्मा गर्म जो है ये गुलाब जामुन है। अच्छा जी, ये बीफ का देखें, ये जो है चपली कबाब भी रखा है और चिकन का जो है लेग पीस है, चिकन के लेग पीस भी है भाई। ये देखें जी नागन चौरंगी की फूड स्ट्रीट है ये, जहाँ पे जो है ये मैं आपको जो है स्ट्रीट पे जो है खाने कौन कौन से जो है अवेलेबल हैं वो। ये है नागन चौरंगी पे जो है मुस्लिम टाउन के साथ ही जो है ये फूड स्ट्रीट है, गोलगप्पे हैं भाई ये देखें, ज़बरदस्त। इस फूड स्ट्रीट पे ये है आपका चोको आइस। इसके साथ ही मुझे जो है इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। लिमका के स्टॉल से मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।